वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। और इस वीडियो में क्विकली आप लोगों को बताना चाहूँगी सबसे पहली बात कि बहुत सारी वैकेंसी जो है आ चुकी है रिसेंटली, तो मैं आपको डिटेल में नहीं बताऊँगी कि कौन सी वाली कहाँ पे जाकर आपको चेक करनी है। इन शॉर्ट में आप सिर्फ मैप एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर दो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे आप एक साथ सारी एयरलाइंस की वैकेंसीज जो है चेक कर सकते हो कौन सी एयरलाइन में कहाँ है। सो टू मेनी वैकेंसीज हैव कम अप, तो प्लीज़ एक ही ऐप में सारे आप लिंक्स चेक कर दो। एंड इनफैक्ट टू मेनी एयरलाइंस आर हायरिंग राइट नाउ, एतिहाद, एमिरेट्स, कतार, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कैबिन क्रू। ग्राउंड स्टाफ में भी पोजिशन वेकेंट है जो आप चेक कर सकते हो इन द मैप ऐप। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, अगर आपका मन करे तो कर ही लो यार। ओके, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जेट एयरवेज हायरिंग अगेन। ऑफकोर्स ऑपरेशन जो है उनके शुरू होने वाले हैं बहुत जल्दी, और इसीलिए जो है एक सेट ऑफ क्रू ऑलरेडी ट्रेन हो रहे हैं। और इनकी जो इंस्टाग्राम पे फोटो थी वहाँ पे इन्होंने लिखा है क्रू विल ऑपरेट आ फ्लाइट सून, और ये फोटो डाली हुई है। अब मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत सी अनफेयर लगी एज पर द कॉमेंट्स और मेरे खुद का पर्सनल ओपिनियन भी। जहाँ पे सबसे पहली जो खबर ये आई थी कि ये लोग जो है सिर्फ फीमेल, ऑल फीमेल क्रू होंगे और नॉट मेल क्रू, और इसका रीज़न भी लिखा हुआ था वहाँ पर। पहला जो है यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि जो कमेंट पढ़ते जाते हैं यहाँ पे लोगों ने लिखा है कि वी हैव नॉट इवन रिजाइन फ्रॉम जेट एयरवेज, आर वी सपोज टू रिसीव कम्युनिकेशन, आर यू नॉट गोइंग टू रिकंसिडर अस। और इसके बाद जो लोगों ने रिप्लाई किए हैं वो यही लिखे हुए हैं कि वी आर स्टिल वेटिंग, मतलब जो पुराने एम्प्लॉयज़ थे उन लोगों ने काफ़ी साल तक के किए। इनफैक्ट जेट एयरवेज एक ऐसी एयरलाइन थी जहाँ पर लोगों ने ऐसा नहीं क्यों एक साल दो साल बाद रिजाइन कर लिया, दे वर पीपल वर्किंग फॉर लाइक वेरी वेरी लॉन्ग। तो लोगों ने लिखा कि दिस इज़ नॉट डन, ओल्ड एम्प्लॉय शुड बी हायर्ड फर्स्ट। अनदर कॉमेंट, माई क्वेश्चन इज वाई जेट एयरवेज डिड नॉट कंसिडर क्रू हु हैव स्टिल नॉट रिजाइन, वी आर वेटिंग फॉर मोर देन टू ईयर्स। पिक्सी ने कॉमेंट किया है कि देर इज़ नो वैल्यू फॉर द ओल्ड एम्प्लॉय। किसी ने रिप्लाई किया है रॉटन टमेटोज आर ऑफ नो यूज। ओके, सो इसमें एक्चुअली बहुत सारे कॉमेंट्स हैं, तो आप प्लीज़ अगर जानना चाहते हो कि ये लोग ओल्ड एम्प्लॉयज को रिहायर कर रहे हैं या नहीं, इनके इंस्टाग्राम पे जाकर आप चेक कर सकते हो, कॉमेंट्स पढ़ सकते हो। मुझे पर्सनली बहुत बुरा लग रहा है, और इसीलिए मैंने जो है अपनी वीडियो में मैंने मेंशन किया था, जब मैंने एक्सप्लेन किया कि व्हाई बेसिकली आई डोंट वांट टू गो एंड फ्लाई बैक अगेन, आई डोंट इवन वांट टू गो बैक, जस्ट बिकॉज आपके लिए नए स्किल सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ पर ये लिखा हुआ है कि अभी भी जो पुराने एम्प्लॉयज़ है यू नो दे वॉन्ट टू गो बैक, बट मोस्टली दे वुड कीप कंसिडरिंग द न्यू क्रू, मोस्टली द यंगर क्राउड, द यंग लुकिंग क्राउड। इंडिया में मोस्टली यही होता है, इंटरनेशनली ऐसे नहीं होता है बट इंडिया में यही है। और मेरे जो भी फ्रेंड्स थे जो जेएवेज में थे उनमें से किसी को अब तक की कम्युनिकेशन आई नहीं है कि मतलब यू नो यू कैन रीजॉइन, बेसिकली वो लोग जिन्होंने रिजाइन किया ही नहीं था उन लोगों की बात कर रही हूँ मैं। सो आई फील दे शुड बी गिवन प्रेफरेंस फर्स्ट, पर ऐसा नहीं हुआ है। और मैं अपनी वीडियो में ये भी बता चुकी हूँ कि इनफैक्ट जितने भी लोग मुझे बोलते थे ना कि यू नो 17 ईयर्स के हैं, 18 ईयर्स के हैं, हम क्या हम ज्वाइन कर सकते हैं, मैं बहुत पहले से ही बोलती भी आई हूँ कि आप लोगों के लिए ही वैकेंसीज आएगी आफ्टर द कोविड फिनिशेस। क्योंकि जो भी लोग इंटरव्यू में जा रहे थे उन्हें ये कहा जा रहा था कि एक्सपीरियंस लोगों के ही ले रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, इवन दे आर हायरिंग द फ्रेशर्स। और सिर्फ एक डिफरेंस बनती है सिर्फ स्पाइसजेट एयरलाइंस की, जिसमें मैं पहले अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि स्पाइसजेट इज़ नो लॉन्गर गोना टेक डायरेक्ट वॉकिंग्स। मेरे टाइम पे बहुत अलग सीन था, तब डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज ले रहे थे, बट अब भी लोग मुझे यही क्वेश्चन पूछते हैं कि स्पाइसजेट के इंटरव्यूज कब होंगे, बट आई एम वेरी क्लियर अबाउट इट कि पहले जैसा नहीं है। आपको अगर ज्वाइन करना है स्पाइसजेट यू हैव टू पे 3.75 लाख रुपीज एंड जॉइन द स्पाइस स्टार अकेडमी, डू योर ग्रेजुएशन टूगेदर अलॉन्ग विद डूइंग द फ्लाइंग जॉब। Apart from this, second thing which I felt unfair is that they are not going to hire the male crew. अब कुछ लोग जो वहाँ पे comment किए थे कि how is this going to save your fuel or something, मैं आपको शायद explain करूँ how this is going to save the money. First of all जो है जो operations जो है new start किए हैं already उसमें बहुत सारी funding इनकी जो है चली गई है। अगर एक male crew को रखा जा रहा है तो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बोइंग एयरक्राफ्ट की 737-800 की बात करी जिसमें चार क्रू लगते हैं, मोस्टली सबसे ज़्यादा पॉपुलर यही होता है डोमेस्टिक फ्लाइंग के लिए, और क्योंकि जेट एयरवेज में अभी डोमेस्टिक फ्लाइंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो इन लोग अगर ऑल फीमेल क्रू रख रहे हैं, अगर कहीं पर लेवर है तो रूम शेयरिंग बेसिस होता है, तो टू फीमेल इन वन रूम एंड टू फीमेल इन अनदर रूम। बट अगर ये लोग मेल क्रू रख रहे हैं तो लेट्स से फॉर एग्जाम्पल
थ्री फीमेल्स है और अगर एक मेल है तो उन लोग को दो फीमेल, वन मेल एंड वन फीमेल को सेपरेट रूम देना पड़ेगा, विच मीन्स एक एक्स्ट्रा रूम का कॉस्ट उनको जो है भरना पड़ेगा। अब आप कहोगे ऐसे भी तो हो सकता है कि दो मेल को और दो फीमेल को ही एक फ्लाइट में रखो, विच इज एब्सोल्युटली वेरी रेयर एंड नॉट रियली पॉसिबल, कि सबके रोस्टर, फ्लाइंग टाइम, बहुत सारी जो है लिमिट आ जाती है बीच में। अगर आप किसी को एक सर्टन फ्लाइट के लिए रोस्टर कर सकते हो तो वैसा रियली बहुत ही रेयर सिनेरियोज में हो सकता है कि दो मेल क्रू और दो फीमेल क्रू ही होने चाहिए। सो वो लोग ने इस चीज़ का रिप्लाई करके ये भी कहा था कि ये सिर्फ टाइम बीइंग के लिए है, जैसे ही इनके ऑपरेशंस अच्छे खासे चलेंगे तो ये मेल को भी लेना स्टार्ट करेंगे। पता नहीं ये बात कितनी सच है या नहीं। सो बॉयज आई रियली फील बैड फॉर यू, अगर आपका मतलब ड्रीम था कि आप जाओ जेट एयरवेज में इन द फ्यूचर, बट राइट नाउ दे आर नॉट हायरिंग द मेल एम्प्लॉयज। बट फीमेल्स अगर आप जाना चाहते हैं, ऑल द बेस्ट टू यू। और जैसे पहले भी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, ऑफकोर्स वट एवर यू लाइक गो फॉर इट, बट साइड में प्लीज आपके जो भी आपके डिफरेंट स्किल, आपकी कोई हॉबी है उसको एनहांस करो, कुछ साइड में सीखो। ये नहीं कि सब जॉब ही करते रहो, बिकॉज वंस यू गो इन टू फ्लाइंग यू वुड नॉट फील लाइक कमिंग बैक। 6, 7, 10 साल भी चले जाएंगे ना आपको, 10 साल ऐसे 1 साल की तरह निकल जाएगा। तो यही था मेरा बोलना, लाइक फिलहाल दो चीज़ें जो मुझे बेसिकली अनफेयर लगी। आपका प्लीज़ ओपिनियन, आपको बताना कि आपको क्या लगता है। एक तो ये कि पुराने एम्प्लॉयज़ को भी नहीं ले रहे हैं, और वो पुराने एम्प्लॉयज जिन लोगों ने काफ़ी साल दे दिए कंपनी के लिए, एंड देयर नाउ नॉट हायरिंग द मेल क्रू। आपकी क्या ओपिनियन है प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ यार शेयर और सब्सक्राइब कर दो अगर आप पहली बार आए हो तो। एंड देयर इज़ अ प्लेलिस्ट नेम कैबिन क्रू वेयर यू कैन गो एंड एक्सेस ऑल द कॉन्टेंट रिलेटेड टू एविएशन। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम इफ यू फील लाइक। ओके, कर ही दो यार, चलो बाय।